ये क्वेश्चन था आपका लिंकेज एंड मैपिंग का। लिंकेज एंड मैपिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। मैं जनरली आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूं कि जो नंबर का ऑर्डर है, मैंने बताया था कि नंबर हमेशा याद रखना इस चीज के लिए, नंबर जो होता है कुछ इस ऑर्डर में रहता है। नंबर बता चुका हूं, अगर नहीं पता है तो सबसे ज्यादा पैरेंटल, फिर सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट, फिर सिंगल क्रॉसओवर सेकेंड, और फिर उसके बाद आता है डबल क्रॉसओवर। ठीक है, ये इन सबके दो दो नंबर होते हैं नियरली इक्वल। सबसे मैक्सिमम चूज करो पैरेंटल, ठीक है, वन बाय वन चलने की कोशिश करना। सबसे मैक्सिमम देखो, ठीक है, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे 317 है, तो ये पैरेंटल होगा। उसके बाद उसके सबसे नियर कौन सा, ये रहा 311, तो ये भी पैरेंटल होगा। सबके दो दो पेयर होंगे तो ये पैरेंटल हो गया। ठीक है, ये पैरेंटल हो गया। नाउ उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि फिर सिंगल क्रॉसओवर वन कौन होगा, इससे कम कौन सा नंबर है, 311 से इस पूरे डेटा में जो नंबर है वो नंबर है 115, 115 है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? जो लोग पहली बार लर्न कर रहे हैं, जो लोग अनअकैडमी पे लर्न किए होंगे उनको तो आज आसान लग रहा होगा। ठीक है, ये 115 सेलेक्ट करना है, सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट। ये आपको बुकिश कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर समझ जाओगे कभी भी लिंकेज और मैपिंग का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। वेरी गुड नून शालिनी। सो ये सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट होगा। 115 के बाद जो अब नंबर आ रहा है 99, ये भी सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट होगा क्योंकि दो दो पेयर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं देखने की कोशिश करता हूं कुछ और पार्ट में, देखना। अब 99 से जो कम होगा, 99 से जो कम होगा, 99 के बारे में बात करता हूं मैं। ठीक है, 99 के बारे में अगर बात करेंगे, 99 के बारे में अगर बात करोगे तो आप देखिएगा कि इससे कम है 64 हो जाएगा सिंगल क्रॉसओवर सेकंड, एंड 61 जो हो जाएगा ये सिंगल क्रॉसओवर सेकंड, क्योंकि उसी के जस्ट क्लोज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कैसे आपको लेके चलना है? उसके बाद देखने की कोशिश करना, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में 16 आ जाएगा डबल क्रॉसओवर, और 17 आ जाएगा डबल क्रॉसओवर। ये आ गया, ये मैंने आपको बता दिया कलर आपको डिफ्रेंशिएट करके कैसे चलेगा। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होगा यहां तक। जब यहां तक क्लियर है तो कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, सो सबसे इस नंबर को आप इस तरीके से अरेंज कर लो। इसका और सिंपल तरीका बताऊं, जब भी इस तरीके का दिया हो नंबर उसको अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करना है, सी देखना, यहीं पे मैं अरेंज कर रहा हूं। सबसे पहले 317, फिर उसके बाद 311, फिर उसके बाद है 115, फिर उसके बाद है क्या 99, फिर उसके बाद है 64, फिर उसके बाद है 61, फिर उसके बाद है 17, फिर उसके बाद है 16। ये समझ में आ गया कैसे अरेंज करना है? जब अरेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट द पैरेंटल, ये पैरेंटल होगा। उसके बाद ये होगा सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट, इसके बाद ये दोनों होंगे सेकंड, और ये होगा डबल क्रॉसओवर। समझ में आया? इस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और अपने आप पता चल जाएगा कौन सिंगल क्रॉसओवर है, कौन पैरेंटल है, कौन सारी चीज है। क्लियर है जी? चलो, अब ये पता चल गया तो हमेशा याद रखना, इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए डबल क्रॉसओवर चाहिए होता है, लेकिन इन्होंने ऑर्डर दे दिया। जब ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर दिया इन्होंने बी ए सी, दिस इज द ऑर्डर, ये ऑर्डर इन्होंने दे दिया है। जब इन्होंने ऑर्डर दिया है जनाब, तो ऑर्डर दे दिया है तो यानी कि हमेशा याद रखना, जिस ऑर्डर में इन्होंने दिया है उसी ऑर्डर में क्रॉसओवर होता है। बी और ए के बीच में सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट होता है, और ए और सी के बीच में क्रॉसओवर सेकेंड होगा। ठीक है, सिंगल क्रॉसओवर जो होगा वो क्रॉसओवर फर्स्ट जो होगा वो बी और ए के बीच में होगा, और ए और सी के बीच में क्रॉसओवर सेकंड होगा। तो अब इन्होंने जीन डिस्टेंस किसके किसके बीच में पूछा वो देखना है। पूछा किसके है, बी और सी के बीच में। अगर बी से सी तक जाना है तो आपको यहां सीधा पता चल रहा होगा कि सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट को भी लेना है इनटू सिंगल प्लस सिंगल क्रॉसओवर सेकंड को भी लेना है। समझ में आ रहा है? सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट एंड सिंगल क्रॉसओवर सेकंड, इसको भी लेना और इसको भी कंसीडर करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? मैं इसको आराम से समझा रहा हूं क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर क्वेश्चन आया तो कर लेना। ठीक है, चलो आगे मूव करता हूं। अब देखना कि अब आपको पहले सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट यानी पहले बी और ए के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा, फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा। तो बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके लिए क्या, उसमें सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट, सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट। ठीक है, सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट प्लस डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाई टोटल। सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट प्लस डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाई टोटल करोगे, ये आएगा 0.247। उसके बाद जब ए और सी की बात करोगे, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये सिंगल क्रॉसओवर सेकंड हो रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू होगी नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसओवर सेकंड इन प्लस द डबल क्रॉसओवर। ये आ गया
ये इनटू डिवाइडेड बाय टोटल, हर इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा 1.0.5158, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपका सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट आ गया, ये आ गया सेकंड। बी और सी के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा 0.45। ये परसेंटेज में जब इसको लेके जाओगे सेंटीमॉर्गन में तो आ जाएगा 40.5। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो और भी अच्छी बात है। 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, स्टार्ट करूं 2018। चलो स्टार्ट करने की कोशिश करते, देखो इकाइनोडर्मेटा, फिर से क्वेश्चन आया है कि द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्लोजर, ठीक है, देखने की कोशिश करना क्या पूछा जा रहा है। इकाइनोडर्मेटा से पूछा जा रहा है आर क्लोजर टू द कार्डेटा देन अदर इनवर्टिब्रेट फाइला, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन अकाउंट फॉर दिस रिलेटेडनेस। क्या होगा आंसर, क्या होना चाहिए? हाईली इवोल्यूटेड नर्वस सिस्टम, ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री पाया जाता है? नो, रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता। मिस सारिका सॉरी, रेडियल सिमेट्री जो होता है एनेलिडा के बाद, रेडियल सिमेट्री एनेलिडा में पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री जो होता है, आप अगर याद करो, रेडियल सिमेट्री पोरीफेरा तक था, पोरीफेरा प्रोटोजोआ पोरीफेरा, ठीक, उसमें सिमेट्री नहीं थी, उसके बायलेटरल रेडियल सिमेट्री चल रहा था, ठीक है, रेडियल सिमेट्री चल रहा था। उसके बाद पोरीफेरा था, सीलेंट्रेटा था, सीलेंट्रेटा के गायब होती, फिर बायलेटरल सिमेट्री आता, उसके बाद रेडियल नहीं आता, ठीक है, उसके बाद बायलेटरल होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। मैंने बताया था इकोनोडर्मेटा में ड्यूट्रोस्टोमिक होते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट जो होता है यही कॉमन होता है, ठीक है, मसल्स इसमें होता नहीं, नर्वस सिस्टम इवॉल्व होता नहीं है, ये सारे के सारे ऑड वन आउट होते हैं, इसमें आप खुद देख सकते हो ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट होता है जो कि कॉर्डेटा से सिमिलर होता है। चलो आगे बात करते हैं, एक जूलॉजिस्ट है जिसने रिकवर किया सम टिश्यू फ्रॉम द प्रिजर्व स्क्रीन फॉर द वुली मैमोथ, फर्दर जेनेटिक एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए आइसोलेशन इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी मोस्ट यूजुअल फॉर द इंक्रीजिंग अमाउंट। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्रीज करना है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए, टर्म्स को पढ़ना, पीसीआर होगा कि नहीं होगा, पीसीआर होगा, सीधे सीधे बताने की जरूरत है, सीधे सीधे आपका पीसीआर हो जाने वाला, ठीक है। चलो नाउ आगे देखने की कोशिश करना, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, In a chemical reaction where the substrate and product are in equilibrium in the solution, substrate और product equilibrium में है, what will occur if an enzyme is added? क्या करेगा enzyme add करेंगे तो क्या करेगा, equilibrium of the reaction will not change, बिल्कुल, there will be decrease in product form, additional substrate will form, free energy of the system will change, कुछ भी नहीं होता, इक्विलिब्रियम चेंज होता है क्या, कभी भी आपका एंजाइम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता चेंज नहीं करता, चेंज नहीं होगा, सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है, सही है। नाउ टे सैक डिजीज इज अ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, किससे रिलेटेड होता है टे सैक डिजीज, ह्यूमन जेनेटिक ऑर्डर जो होता है लाइसोजोम से रिलेटेड होता है, टे सैक डिजीज इज अ लाइसोजोम स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोजोम से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो सारी चीजें सॉल्व कर आराम से सॉल्व कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जी, कोड आप लोगों को याद होगा, चलो बढ़िया, इंक्रीज इन द, ठीक है जी, हेक्सोअमिनिडेज डिफिशियंसी होता है, अमन बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज इज द एक्सिस्टेंस पॉपुलेशन ग्रे पेपर्ड मॉथ बिट्सन बिटुलेरिया, क्या करते हैं जी इसको, क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन है ये, ठीक है, बिट्सन बिटुलेरिया ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल दिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ द डायरेक्शनल सिलेक्शन, है डायरेक्शन है उसको सेलेक्ट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जाता है, उसको प्रिफर करता है, डायरेक्शनल का मतलब किसी एक को ज्यादा प्रिफर करना, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैंसर सेल, इसमें से कौन है जो कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मियोसिस करता है कैंसर सेल, अनकंट्रोल्ड मियोसिस,
देखना कितना बेवकूफ बना रहा है आपको, मियोसिस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मियोसिस नहीं, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस करता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि कार्डियक और सेरिब्रल टिश्यू किस पर्टिकुलर जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं, किस पर्टिकुलर जर्म लेयर से डिराइव्ड होते हैं जी। सारिका एड्रेस अब बताइए जल्दी जल्दी, सारिका अपना एड्रेस बताइए, सारिका एड्रेस बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं, एड्रेस बताइए फटाफट। तो मेरे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ साइनाइड रखा रहता है जो कि आपको थोड़ी देर के लिए होश में ले आता है। यहां पे पूछा है नॉट, यहां पे पूछा है नॉट, ठीक है। अपना एड्रेस, पर्टिकुलर साइनाइड भेजता हूं मैं लोगों को, जिनको लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, टेंशन खत्म करने के लिए मेरे पास एक साइनाइड होता है। आप चिल रहोगे, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे, बैठे बैठे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। इतना लिटरली नहीं लेना है सारिका, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं, इलाहाबाद में अब कहां भेजूंगा मैं, इतना लिटरली नहीं लेना है, ठीक है। मैं कुछ नहीं भेजने वाला, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए इसको, देखिए नॉट पूछा है तो ऑब्वियस ही बात है एपोप्टोसिस कैंसर सेल में कम हो जाता है, तभी तो वो ग्रो करता है, ठीक है। सो ये सही है, गलत नहीं है। कार्डियक सेल्स एंड सेरिब्रल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं, तो कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो मेसोडर्म से निकलते हैं, जितने भी हमारे इंटरनल लाइनिंग होती है मेसोडर्म से होती है। सेरिब्रल टिश्यूज जो होते हैं ज्यादातर जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं वो एक्टोडर्म से निकलते हैं। सो आंसर जो होते हैं वो आपका एक्टोडर्म हो जाएगा। नर्वस सिस्टम के जितने पार्ट होते हैं एक्टोडर्म के पार्ट होते हैं। मसल्स के जितने पार्ट होते हैं कार्डियक, इंटरनल मसल्स, इंटेस्टाइनल थिंग्स, वो मेसोडर्म्स के पार्ट होते हैं। और एंडोडर्म्स और जाओगे, और जैसे अगर मेसोडर्म्स के बारे में बात करें तो मसल्स या इन सब की चीजों में आते हैं, और नीचे जो इंटेस्टाइनल लाइंस जो भी मैंने बताया था, इंटेस्टाइनल लाइंस आपके या किडनी या इन सब चीजों पे जाओगे, अंदर की जो यूट्रस या सारी चीजें वो आपके एंडोडर्म्स में आते हैं। चलो एन एनिमल एबिलिटी ऑफ द एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर्स बाय द यूजिंग एक्सप्लोर्ड नॉलेज ऑफ होम एरिया, ठीक है। एन एनिमल एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम अ प्रेडेटर बाय यूजिंग द एक्सप्लोर्ड नॉलेज ऑफ द होम एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये एक बिहेवियर के बारे में बात है जिसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग बोला जाता है कि अगर वो प्रेडेटर एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। बाउमेन कैप्सूल आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, कहां पे पाया जाता है। रीनल मेडुला कॉर्टेक्स यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, इट प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट्स, लंग सर्फेक्टेंट्स का क्या होता है जी। एग्जांपल ये क्या करते हैं, जो लंग सर्फेक्टेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है, किसी भी सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, चाहे वो लंग का हो या आप पता है सर जो करते हो, जो सोप यूज करते हो, जो पाउडर यूज करते हो, वो एक सर्फेक्टेंट ही तो होता है। जो पाउडर आप यूज करते हो दैट इज अ सर्फेक्टेंट, वो भी तो एक सर्फेक्टेंट ही होता है, सर्फेक्टेंट ही तो होता है। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, ये रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन को, हमेशा याद रखना सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, तभी वो बबल का फॉर्मेशन जो आप देखते हो, ऐसे कभी कभी बबल जो फॉर्म करते हो, ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है जी। बिल्कुल सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा, जब सरफेस टेंशन को रिड्यूस कराएगा तो सीधी सी बात है जी, जब सरफेस टेंशन को रिड्यूस करा रहा है सो व्हाट विल, यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आगे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अफ्रीकन टिक बाइट फीवर, येलो फीवर, माइक्रोसिफेलिस, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है, ये तो आपको सीधे सीधे पता होगा। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो होना चाहिए ये आपका ट्रिपैनोसोमा से होना चाहिए, स्लीपिंग सिकनेस। सर्फेक्टेंट यू कैन से एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल जो है होता है, पेग जो होता है वो सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट नहीं करता, पेग इज लाइक फ्यूजिंग एजेंट है, ठीक है, सर्फेक्टेंट का काम नहीं करता, उसको एक सकते यूजुअल सर्फेक्टेंट नहीं है, वो एक फ्यूजन का काम करता है जी, ठीक है। पैक जो होता है ज्यादातर फ्यूजन का काम करता है। सो फोर्थ का फर्स्ट होना चाहिए, ये आपके फर्स्ट और इसमें यूज होता है। नाउ उसके बाद बात करता हूं क्या, उसके बाद बात करेंगे
येलो फीवर, माइक्रोसिफेली और उसके बाद रिकेट्सिया, अफ्रीकन टिक बाइट फीवर। नाउ अब देखेंगे फर्स्ट का क्या होना चाहिए, टिक बाइट फीवर। टिक बाइट फीवर क्या होगा, फ्लेवी वायरस से होगा या आपके रिकेट्सिया स्पीसीज से होगा। जीका वायरस से क्या होता है, सुना हुआ था जीका वायरस, जीका वायरस माइक्रोसिफेली जिसमें ब्रेन का साइज छोटा हो जाता था, अभी बहुत बहुत फैला हुआ था जीका वायरस कुछ देर पहले, तो ये माइक्रोसिफेली कॉज करता है, दैट माइक्रोसिफेली विल बी कॉज्ड बाय द जीका वायरस। थर्ड का आपका सेकंड होना चाहिए, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का ये। अब बात आता है येलो फीवर एंड अफ्रीकन टिक बाइट फीवर। येलो फीवर जो होते हैं, जितने भी येलो फीवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, येलो फीवर्स किस स्पीसीज से होता है, मैंने आपको बताया था अगर याद हो माइक्रोबायोलॉजी में, जब मैंने आपको कुछ माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सारी चीजें बताया था, तो येलो फीवर, क्यू फीवर वहां पे बताया हुआ। ठीक है, फ्लेवी वायरसेस येलो फीवर्स होता है और टिक बाइट फीवर जो होता है दैट इज व्हाट द रिकेट्सिया वायरस। सो ये आपका आ जाएगा, येलो फीवर इज द फ्लेवी वायरस, ये आंसर आएगा। और इस हिसाब से आप देखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, पहले का थर्ड आना चाहिए, दैट इज व्हाट द बी। गाइस माय नेम इज वीरेन सिंह, सो अनअकैडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी वीरेन सिंह ऑन अनअकैडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विरेन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7, इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलैंग्वेज आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें, इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप रेफरल कोड वीरेन और वीरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हरी अप गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।